वो जिसने सही दिल दुखाया था अनजाने में कि जिसने सही दिल दुखाया था अनजाने में और मुझे मशहूर कर दिया जमाने में तो उनके पास भी कोई बड़ा राइटर नहीं था, मेरे पास बड़ा म्यूजिक कंपोजर नहीं था, तो एक अमी मिश्रा करके एक म्यूजिक कंपोजर है, वो तब से मेरे साथ में जुड़े हुए थे, उनके लिए मैंने 8-9 गाने किए थे। तो एक बार वो गाना उन्होंने महेश भट्ट साहब को भेज दिया था, एक गाना हमने किया था हंसी बन गए। उसके बाद फिर महेश भट्ट साहब ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आप एक बार आओ यहाँ पे, एंड देन मैं गया और फिर ये गाना हमने प्रमोट किया। So I was like, oh God, he's rejected me. He said, okay, okay, don't go. You go now and you sit in the sun for 6 hours. So that was a punishment for me, being fair. Problem वहाँ पे आती है जहाँ पे आपको वो लोग बताते हैं जिनको खुद को म्यूजिक नहीं आता है। फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी, जुदा हो रहे हैं कदम, फिर मुलाकात होगी कभी। Wow.